comparison of work done in isothermal and adiabatic process. बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, सिंपल सा टॉपिक है. ये टॉपिक ये कहता है कि मान लो मैंने गैस को एक्सपेंड किया, मैंने गैस को V1 से V2 एक्सपेंड कर दिया. मैं एक्सपेंशन करना चाहता हूँ V1 से V2. एक बार मैं प्रोसेस को कैरी करूंगा अंडर आइसोथर्मल कंडीशन और एक बार मैं कैरी करूंगा अंडर एडियाबैटिक कंडीशन. वॉल्यूम V1 से V2 ही करूंगा. मुझे ये देखना है कि किस केस में वर्क डन ज्यादा होगा और किस में कम होगा. मतलब काम तो सेम ही करना है, डेल्टा भी दोनों में सेम है, लेकिन एक बार आइसोथर्मल कंडीशंस पे, एक बार एडियाबैटिक कंडीशन पे, और मुझे कंपेयर करना है कि किस केस में वर्क डन ज्यादा किस में कम. ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझ में आ गया? तो एक काम करते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले हम प्रोसेस किस पे कैरी करते हैं? आइसोथर्मल कंडीशंस पे. आइसोथर्मल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? पीवी इज अ कॉन्स्टेंट. लिख लिया. आप एक काम करें, इसमें इसके अंदर पीवी इज अ कॉन्स्टेंट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? क्योंकि आइसोथर्मल में पी भी चेंज होता है और वी भी चेंज होता है. तो एक बार पी कांस्टेंट वी की डिफरेंशिएशन, एक बार वी कांस्टेंट पी की डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो. कई लोग सोच रहे हैं डिनोमिनेटर में कुछ लिया ही नहीं, ले लो डी टी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो से कट के जीरो ही हो जाएगा एलसीएम लेके. अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर भी करते हो डिफरेंशिएट, कोई बात नहीं, वो डी टी यहां पर एलसीएम लेके जीरो से कट ही जाएगा. तो इसलिए एक स्टेप लिया ही नहीं हमने इसमें. ठीक है, स्टेप क्लियर है? तो U into V का फॉर्मूला लगाया तो PdV क्या आ गया? -VdP आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके dP अपॉन dV की वैल्यू क्या आ गई? -P/V आ गई. ये स्टेप क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ, हम काइनेमेटिक्स में करते थे कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मैं ये बोलता हूं कि सपोज करो कि आप इसमें इसकी स्लोप निकालो, तो आप क्या करते थे? ये dy लेते थे और ये dx लेते थे. आप स्लोप क्या बोलते थे? dy/dx. किसी भी इंस्टेंट पे स्मॉल dy स्मॉल dx को डिवाइड करेंगे तो स्लोप आ जाती है. उसी तरीके से अगर ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का है ऐसा, और मैं बोलूं इसकी स्लोप निकालो, तो क्या होगी? dp/dv. तो pv ग्राफ की स्लोप अगर निकालनी हो तो क्या निकालना पड़ेगा? dp/dv. तो आप चेक कर सकते हो हमने डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लिया? dp/dv. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्या है? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस है. तो मेरे पास रिजल्ट आ गया, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला -P/V, क्वेश्चन नंबर 1. संभाल के रख लो इसे. अब एक काम करो, एडियाबैटिक कंडीशंस पे काम करते हैं. एडियाबैटिक कंडीशंस पे PV^γ इज अ कॉन्स्टेंट. अब एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि एडियाबैटिक में प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं. इसे अगर डिफरेंशिएट करें तो एक बार P कांस्टेंट बाहर आ गया, इसके डिफरेंशिएशन में गामा नीचे आ गया, V की पावर 1 कम, कितनी? गामा -1/dV. और एक बार V की पावर गामा कांस्टेंट आ गया और P की डिफरेंशिएशन dP, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0. तो ये स्टेप समझ में आ गया? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? तो एक बार P बाहर, इसके डिफरेंशिएशन में पावर नीचे, एक पावर कम (dV), और एक बार V की पावर गामा बाहर (dP), और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0. ये राइट साइड पे चला गया तो आपके पास ये टर्म आ गई. अब एक काम करो, P गामा एक तरफ, ये पूरी टर्म को इसके नीचे डिवाइड कर दो. वॉल्यूम वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो V की पावर गामा -1. जब ये ऊपर गया तो V की पावर γ-1+1 dP/dV. गामा गामा कैंसिल हो गया तो आपके पास ये टर्म बच गई. यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके dP/dV निकालेंगे तो -γ/P/V आएगा. लेकिन dP/dV क्या होती है? स्लोप होती है. इस बार ये स्लोप है क्या? एडियाबैटिक की कर्व की स्लोप है, क्योंकि प्रोसेस एडियाबैटिक है, इक्वेशन एडियाबैटिक है. तो एडियाबैटिक की स्लोप क्या आ गई? -γ/P/V. आइसोथर्मल की स्लोप क्या आई थी? -P/V. तो एक काम करो, दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर दो, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ आइसोथर्मल. तो -P/V कैंसिल, तो क्या बचेगा? गामा. अब जो गामा होता है CP/CV हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो क्या ये रूल बना सकते हैं? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, क्योंकि गामा ग्रेटर देन 1 है, राइट हैंड साइड ग्रेटर देन 1 है, तो एडियाबैटिक की स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल. ये रूल याद रखना है आपने. क्या ये बात समझ में आई यहां तक? लेकिन क्वेश्चन तो ये था ही नहीं. क्वेश्चन ये थोड़ी ना था कि स्लोप का कंपैरिजन करो, किसकी स्लोप ज्यादा किसकी कम. क्वेश्चन था वर्क डन का कंपैरिजन करो.
अब वर्क डन का कंपैरिजन एक सेकंड में हो जाएगा। देखो कैसे, सपोज करो आपके पास पीवी डायग्राम है। किसी डायग्राम में मैंने आपको दो कर्व्स बना के दिए, जैसे ये पहला कर्व है और ये सपोज मेरा दूसरा कर्व है, बना दिया मैंने, कुछ नहीं लिख के दिया, ये आपको कुछ लिख के नहीं दूंगा। सबसे पहले आप खुद डिसाइड करेंगे इन दोनों कर्व में से कौन एडियाबैटिक है और कौन आइसोथर्मल है, दोनों एक्सपेंशन है। अब जिसकी स्लोप बड़ी होगी वो एडियाबैटिक है, जिसकी स्लोप छोटी होगी वो आइसोथर्मल है। हमने ये रूल बनाया कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, इसकी जो स्लोप है वो बड़ी है, देखो कैसे, टैन थीटा, इसकी हाइट बड़ी है, बेस सेम है इसका, दोनों का बेस सेम है, इसकी हाइट छोटी है। तो साफ पता लग रहा है कि जो स्लोप है वो इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है, तो ये क्या है, एडियाबैटिक है, और ये क्या है, आइसोथर्मल है। तो गिवन नहीं होगा, ये पहचानना होगा, समझ में आ रहा है। दो कर्व पहचान लोगे, जिसकी स्लोप बड़ी वो एडियाबैटिक। अब मुझे बताओ कि किसका एरिया बड़ा है, ऊपर वाले ग्राफ जो ऊपर वाला कर्व है आइसोथर्मल, आप चेक कर सकते हो इसका जो एरिया है, जो ऊपर वाला कर्व है देखो, जो ऊपर वाला कर्व है ठीक, इसका ये एरिया बड़ा है और छोटे का एरिया नीचे का छोटा है। तो जिसका एरिया बड़ा होगा उसका वर्क डन बड़ा होगा। तो साफ पता लग रहा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन बड़ा होगा एज कंपेयर टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन। पहला रूल क्लियर है। दूसरा, अगर मान लो कंप्रेशन हो रहा होता, कंप्रेशन के अंदर साफ पता लग रहा है कि इसकी स्लोप बड़ी है, इसका टैन थीटा बड़ा है और इसका टैन थीटा छोटा है, तो इसकी स्लोप बड़ी है तो ये कौन हुआ, एडियाबैटिक, ये कौन हुआ, आइसोथर्मल। तो इसका एरिया बड़ा होगा इसके एरिया से, तो वर्क डन इस बार एडियाबैटिक का बड़ा होगा आइसोथर्मल से। आप याद नहीं कर सकते, आपको हमेशा दो कर्व्स गिवन होंगी, आपको सबसे पहले कर्व्स की क्या निकालनी पड़ेगी, स्लोप। जो बड़ी स्लोप होगी वो एडियाबैटिक, जो छोटी स्लोप होगी आइसोथर्मल। मार्किंग हो गई, जिसका एरिया बड़ा होगा उसका वर्क डन बड़ा, जिसका एरिया छोटा होगा वर्क डन छोटा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन्हें कंपेयर कर सकते हैं कि किसने वर्क डन ज्यादा किया, किसने वर्क डन कम किया, और वो भी मैथमेटिकली नहीं, मैथमेटिकली तो कर ही लोगे फॉर्मूले लगा लगा के, ग्राफिकली एक सेकंड में कर्व को देखते हुए बता सकते हो किसका वर्क डन ज्यादा किसका वर्क डन कम होगा।